तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल गुमक्कड़ मनीष शाह में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मैं इस समय नैनीताल मॉल रोड में हूँ। और अभी हमारा प्लान जो है वो है घोड़ाखाल मंदिर जाने का है, गोलू देवता के दरबार पर, जो नैनीताल से लगभग 12 से 13 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और भवाली से 2 किलोमीटर लगभग होता है। तो गोलू देवता हमारे वहाँ उत्तराखंड में न्याय के देवता माने जाते हैं और सभी श्रद्धालु पूरे कुमाऊँ और पूरे विश्व से यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और कोई भी नैनीताल के आसपास घूमने अगर आता है तो वो गोलू देवता के पास दर्शन करने ज़रूर जाता है। और उम्मीद करूँगा कि मैं आगे आपको वहाँ के दर्शन करा सकूँगा। और आप कभी भी यहाँ आएँ, नैनीताल आएँ, तो आप ज़रूर से गोलू देवता के पास जाएं। और एक ख़ास मान्यता है वहाँ पर कि जो आप देखेंगे कि वहाँ घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं और लोग लिख कर वहाँ अपनी मनोकामनाएँ मांगते हैं। और ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता सभी की इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। और वैसे भी मैंने कहा कि न्याय के देवता माने जाते हैं और बहुत अच्छा अनुभव है मेरा भी वहाँ पर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर नैनीताल आएँ तो एक बार गोलू देवता के दर पर ज़रूर ज़रूर। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं भवाली चौराहे के पास हूँ मैं। और आप देख सकते हैं छोटा सा एक कस्बा होता है हमारे नैनीताल के पास। और जो रास्ता सीधे को जा रहा है इधर को, ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के लिए रास्ता जाता है पूरे कुमाऊँ के लिए। और ये राइट साइड में जो पड़ता है घोड़ाखाल मंदिर के लिए आ जाता है। यहीं से हम लोग भीमताल होते हुए हल्द्वानी भी जा सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत पतली सी सड़क है, कंजस्टेड है थोड़ा, ये मार्केट का इलाका है आप देख पा रहे हैं। बस यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर घोड़ाखाल मंदिर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीसी मार्ग है, डामर वाला ही रोड है ये और सिंगल रोड है ये, सीधा घोड़ाखाल तक ले जाता है। रास्ते में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल भी पड़ता है यहाँ पर। बता चुका हूँ कि मुख्य रूप से गोलू देवता का मंदिर होता है जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है हमारे वहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये एयरफोर्स का कैंपस है, बाउंड्री वॉल जो दिखाई दे रही है आपको। देख सकते हैं आप सभी, दूर दूर से यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी होने पर आकर घंटी चढ़ाते हैं। यहाँ की यही मान्यता है कि लोग चिट्ठियों में भी यहाँ पर अपनी मुरादें मांगते हैं और पूरी हो जाने के बाद अपनी इच्छा अनुसार कोई घंटी चढ़ाता है, कुछ लोग भंडारे भी करवाते हैं। और देखिए आप, बहुत शानदार इलाका है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप देख पा रहे होंगे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है आपकी स्क्रीन पर यह, और घोड़ाखाल मंदिर के जस्ट बगल में ही यह पड़ता है और मुख्य मार्ग पर ही है। और वैसे ये स्कूल तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अधीन है, लेकिन संचालन सैनिक स्कूल सोसाइटी ही करता है इसकी। पिछले कई वर्षों में दोस्तों स्कूल की विशेषता सबसे बड़ी ये रही है कि इसने कई अन्य सैनिक स्कूलों की अपेक्षा अधिक कैडेट्स रक्षा मंत्रालय अकादमी में प्रवेश कराए हैं, और जिसके कारण रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूल को 8 बार, दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि 8 बार रक्षा मंत्रालय ट्रॉफी से इस स्कूल को नवाजा जा चुका है। और अभी सरकार की कुछ नई नीतियों की वजह से इस वर्ष से घोड़ाखाल स्कूल में लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा मित्रों, तो जिससे लड़कियों को भी सैन्य अफसर बनने में एक बेहतर मौका मिल पाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय सरकार लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रही है, तो इसी वजह से शायद उन्होंने इस सैनिक स्कूलों के दरवाजे भी कई लड़कियों के लिए खोले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए भविष्य में। तो दोस्तों, ये है घोड़ाखाल मंदिर का सामने रास्ता है और पास ही में प्रसाद की दुकानें हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ घंटियाँ यहाँ पर। कहाँ गया भैया?
गाड़ियाँ यहीं पर खड़ी कर देते हैं लोग पास ही में रोड के किनारे या थोड़ा सा जगह जहाँ पर भी मिलती है लोगों को। बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पास ही में दुकानें हैं। मुख्य मार्ग है ये। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं रास्ते में, साफ सुथरा रास्ता है और घंटियाँ आप देख सकते हैं यहाँ की विशेषता। एक हमेशा बनी रही है यहाँ पर विशेषता घंटियों की। भीड़ थोड़ा सा कम है इस समय, तो नहीं तो काफ़ी भीड़ रहती है अक्सर यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये जूते खोलने का स्थान है यहाँ पर, और उसके बाद आप हाथ धो सकते हैं और आगे मंदिर की तरफ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही खूब सारी घंटियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलो आ जाओ, हम तो कोई साथ में सबके साथ लेंगे फोटो। देख सकते हैं आप मुख्य मंदिर के ठीक पीछे हूँ इस समय में। श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अनुमान आप इन घंटियों को देखकर ही लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है यहाँ की श्रद्धा का के बारे में बताना, और गुरु भगवान की हमारे पहाड़ में और पहाड़ों के साथ साथ पूरे देश में और पूरे विश्व में जाने जाते हैं यहाँ देवता हमारे। तो दोस्तों अभी हूँ मैं गोलु देवता के मंदिर में, और ये उनका रूप है और घोड़े पे सवार होते हैं ये, हमारे कुमाऊँ गढ़वाल उत्तराखंड के प्रमुख देवताओं में से हैं और न्याय के देवता हमारे माने जाते हैं। यहीं प्रांगण में राम दरबार भी आप देख पाएंगे, और यह नगाड़े यहाँ पर और धुनी इनकी देख सकते हैं कि लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ पर नमन करते हुए। और इस मंदिर की विशेषता यही है कि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे लोगों ने चिट्ठियाँ यहाँ पर लगाई जा रही हैं, जैसे कि मानो एक न्यायालय में चिट्ठियाँ होती हैं उसी तरीके से यहाँ पर चिट्ठियाँ लगी हुई हैं। लोग अपनी मुरादें मांगते हैं, और मेरा अपना अनुभव है कि उनकी मुरादें यहाँ पर सुनी भी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों ने, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, घंटियाँ और लोगों की अर्जियाँ। यहाँ पर गणेश भगवान के दर्शन कर सकते हैं आप।
नैनीताल कभी भी आए दोस्तों तो यहाँ आना ज़रूर ना भूलें, एक अलग ही आपको अनुभव यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए आपकी इतनी घंटियाँ हैं कि यहाँ पर घंटियाँ बांधने की भी जगह नहीं है, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। चलो चलो, यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं आराम से। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों, विवाह के लिए भी हमारा यह धर्म स्थल जाना जाता है और शादियों के टाइम पर यहाँ खूब सारी शादियाँ होती हैं और जो भी लोग यहाँ पर शादी करते हैं माना जाता है गोलू देवता उन्हें स्वयं आशीर्वाद देते हैं और यहाँ की गई शादियाँ बहुत सफलतापूर्वक चलती हैं बताते हैं, हमारे पहाड़ में मान्यता है। और आप देख सकते हैं सिर्फ घंटियाँ और सिर्फ लोगों की अर्जियाँ, जैसे मानिए कि मंदिर ना हो, ये किसी राजा का दरबार हो, जैसे न्यायालय में आप देख सकते हैं लोग अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। फिर से दिखाना चाहूँगा आपको सिर्फ घंटियाँ, काफ़ी मनमोहक है यह दृश्य। यहाँ पर देखिए आप, लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं यहाँ पर और परखवाते हैं अपने को। ये बाबा काल भैरव यहाँ पर सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, खिचड़ी यहाँ पर लोग परखवाते हैं अपने। देखिए आप, माँ काली का भी यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से और माता काली का सबके कष्टों को यहाँ पर हरती हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर श्रद्धालुगण अपनी अपनी मुरादें मांगते हुए और माँ काली के दर्शन कर सकते हैं आप। सर्वशक्तिमान भी माना जाता है माता को यहाँ पर। ज़रूर गोलू देवता के मंदिर में आएँ तो दोस्तों यहाँ पर माँ कालिका से आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी श्रद्धालु यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए न्याय के देवता से। यह मुख्य मंदिर है, आप सामने मेरे देख पा रहे होंगे, मगर वहाँ पर अनुमति नहीं है और आप देख पा रहे हैं सजा हुआ बिल्कुल घंटियों से और लोगों की मुरादों से। तो दोस्तों ये थे दर्शन गोलू महाराज के हमारे, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ और फिर से कहना चाहूँगा, न्याय के देवता हमारे गोलू भगवान पूरे कुमाऊँ, पूरे गढ़वाल क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड में सभी लोग जानते हैं और हमारे पूरे देश में सभी लोग जानते हैं और साथ ही साथ जो हमारे देश के बाहर भी लोग हैं वो भी इन्हें बहुत जानते हैं और जब भी वो आते हैं तो यहाँ ज़रूर माथा टेकने आते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी ज़रूर यहाँ पर आएं। मंदिर से थोड़ा सा नीचे उतरते ही यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आप चाय पानी जलपान कुछ भी ले सकते हैं, और एक घोड़ाखाल स्कूल जिसके बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ, उसका पीछे का गेट है मुख्य गेट, पहले कभी यही हुआ करता था। आप छोटी छोटी दुकानें देख सकते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आप छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं। अभी मंदिर दर्शन और पूजा के बाद अभी हम यहाँ पर
पास ही में एक दुकान जैसा मैंने आपको अभी दिखाया भी था, वहीं पर नाश्ता चाय के लिए हम लोग रुके हुए हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर, आप लोग चाय नाश्ता हल्का फुल्का ले सकते हैं यहाँ पर और रेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं घोड़ाखाल मंदिर के दर्शन करके आया हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया है पीछे, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर और मन को एक शांति सी मिलती है इस जगह पर आके। हमेशा अक्सर मैं हर महीने यहाँ पर विज़िट करने ज़रूर आ जाता हूँ और बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ पर। और आप कभी आइए, मन की शांति भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, लोग मुरादें लेकर आते हैं यहाँ पर अपनी, और मन्नतों को अपनी लिख कर भगवान के सामने पेश करते हैं। और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा और मेरा खुद का भी अनुभव है कि गोलू देवता हमारे उन सभी के कष्टों को हरते हैं और न्याय ज़रूर उनके संग होता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा और आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है या मेरे द्वारा दी गई जानकारी कोई भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं भविष्य में भी आपके संग फिर से जुड़ सकूं। और बहुत बहुत आभार आपका आपसे कहना चाहूँगा, आपने मुझे देखा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।